बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर में सेकंड पेपर क्वेश्चन है अपना। देखो वीडियो के आप लोग के लिए एंड तक बने रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने टेलर प्रमेय जो ये क्वेश्चन है अपना, ये टेलर प्रमेय के आधार पर प्रश्न क्रमांक अपना 4 है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना। इसके पहले हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो के शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और जहाँ कहीं भी आप लोगों के लिए मिस्टेक लगे तो प्लीज़ हमारे लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के लिए क्या डाउट है। और वैसे तो डाउट होगे नहीं, और डाउट अगर होंगे तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन फोर्थ है अपना, फलन एफ ऑफ एक्स बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 का एक्स माइनस 1 और y प्लस 2 की घातों में प्रसार कीजिए। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट बिंदु दे दिए थे और अपन को घात दे दी थी, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें केवल अपन के लिए ये दिए हुए हैं। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि किस बिंदु पर अपन को टेलर प्रमेय ज्ञात करना है या कितनी घातों तक करना है, तो इसके लिए अपन को ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। जो हम इसके पहले टेलर प्रमेय का फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग बीएससी सेकंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले अपन को पढ़ना है अच्छे से, फिर पढ़ने के बाद उसमें जो जो कुछ दिया है वो लिख लेना है, ठीक है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो कुछ उसमें दिया रहता है। एफ ऑफ एक्स वाई अपन को एक फलन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखो अपन को ये दिया हो, इसको मान लेते अपन h, x माइनस 1 इज इक्वल टू h, और ये अपना y प्लस 2 इज इक्वल टू k मान लेते हैं। तो यहाँ से अपन जब a और b बिंदु निकालेंगे तो a और b बिंदु अपन के क्या होंगे, 1 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपन 0 के बराबर रखेंगे। तो 1 और माइनस 2 अपने ये बिंदु हो जाएंगे, यानी अपन को इस बिंदु पर टेलर प्रमेय ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं तो इसको अब सॉल्व, अब टेलर प्रमेय लिखते हैं। टेलर प्रमेय होता क्या है, सबसे पहले देखो दो चीज़ें हो गई, अपन इसको h मानेंगे और बाई वाले पद को k मान लेंगे, ठीक है। k इज इक्वल टू लेके चलेंगे, यानी जो अपन अब सॉल्व करेंगे उसको अपन h के स्थान पे x माइनस 1 और k के स्थान पे अपन y प्लस 2 रखेंगे। एंड यहाँ से अपन जब बिंदु निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रख के a और b निकालेंगे, जो अपन को ये दिए रहते हैं। अब टेलर प्रमेय से, टेलर प्रमेय क्या होता है, f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू f ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एच डी अपॉन डी एक्स प्लस के डी अपॉन डी वाई। ये अपन, और यहाँ पे अपने बिंदु रहते हैं f ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डी अपॉन डी एक्स प्लस के डी अपॉन डी वाई का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ ए भी रहेगा जो कहते हो, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो एच डी अपॉन डी एक्स प्लस के डी अपॉन डी वाई का क्यू, ठीक है। यहाँ पे अपना एफ ऑफ ए भी रहेगा। अब देखो सबसे पहले अपन ए और बी की वैल्यू रखते हैं। ए और बी की वैल्यू अपनी क्या है, 1 और माइनस 2 है, जो अपन ने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। तो एफ ऑफ, जब अपन ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच, और यहाँ आ जाएगा अपना माइनस 2, यानी माइनस 2 प्लस के आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 और माइनस 2, ए और बी की वैल्यू 1 माइनस 2 है, तो अपन सबके, यानी कि यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू रख रहे हैं, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ पे अपना एच डी अपॉन डी एक्स प्लस के डी अपॉन डी वाई एफ ऑफ 1, और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डी अपॉन डी एक्स प्लस के डी अपॉन डी वाई का स्क्वायर एफ ऑफ 1 माइनस 2। इसी प्रकार 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये अपन का फॉर्मूला होता है, ये आप लोग के लिए याद होना चाहिए टेलर प्रमेय का, ठीक है। ये वाला याद होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एच डी अपॉन डी एक्स प्लस के डी अपॉन डी वाई का क्यू। और अब यहाँ पे टेलर प्रमेय के फॉर्मूला के बाद यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में एफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ अपनी डी एफ अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी वाई, यानी तीनों पदों में यहाँ पे एफ का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एफ ऑफ 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, यहाँ पे एफ 1
यहाँ पे माइनस टू ये जो कहते हैं वन अपॉन फैक्टोरियल वन, जब एफ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस के डी एफ अपॉन डी वाई हो जाएगा, और अपना ये वन और माइनस टू बिंदु पर चाहिए इनकी वैल्यू, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपन अंदर एफ का अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए प्लस बी के स्क्वायर की सरसोमिका लगा देते हैं। जब एफ का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एफ हो जाएगा और यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक है। तो अपन प्रसार करते हैं ए का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर एफ अपॉन डी बाय स्क्वायर प्लस टू एच के डी टू एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, कौन सी बिंदु पर, वन और माइनस टू बिंदु पर। अब यहाँ पे अपन यहाँ पे भी एफ का अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपना डी एफ यहाँ पे भी अपना डी एफ हो जाएगा। इसको अपन को घन वाली सरसमिका लगानी है, ठीक है, घन वाली सरसमिका लगाते हैं। तो ये वाला भी नहीं, इसी के साथ है ये वाला पद, ठीक है, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एच का क्यू यानी कि पहले पद का घन हो जाएगा तो डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स क्यू प्लस के क्यू डी क्यू एफ अपॉन डी वाई क्यू, फिर थ्री ए स्क्वायर बी यानी थ्री ए एच बी स्क्वायर यानी ये, ठीक है, और डी एफ अपॉन डी एक्स ये जो कहते हैं थ्री ए बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर रख रहा है तो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री ए स्क्वायर बी यानी एच स्क्वायर के डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एफ अपॉन डी वाई हो जाएगा, कौन से पॉइंट पर, वन माइनस टू पॉइंट पर, ठीक है। अपन इसका अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे डी क्यू एफ आ जाएगा और यहाँ पे भी डी क्यू एफ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका इसको साथ में लिख सकते हैं एफ ऑफ वन माइनस टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन ये वाला, ठीक है, एच डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस के डी एफ अपॉन डी वाई, पूरे अपन को वन माइनस टू पॉइंट पर चाहिए पूरी वैल्यू यानी डी एफ अपॉन डी एस डी एक्स और डी एफ अपॉन डी वाई की डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी बाई स्क्वायर प्लस टू एच के डी टू एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, ये भी अपन को वन माइनस टू पॉइंट पर चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप अपना प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एच क्यू डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स क्यू प्लस के क्यू डी क्यू एफ अपॉन डी बाई क्यू प्लस ये अपना प्लस थ्री एच के स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, डी क्यू एफ हो जाएगा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फिर डी एक्स डी वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री एच स्क्वायर, ठीक है। और ये अगला स्टेप होगा अपना थ्री एच स्क्वायर के यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, कौन से पॉइंट पर चाहिए अपन को, वन सारी की सारी वैल्यू अपन को वन माइनस टू पॉइंट पर चाहिए। तो अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स डी टू एफ अपॉन डी एक्स सबकी वैल्यू अपन निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को चूंकि फलन दिया और समीकरण एक से लिख सकते एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई माइनस टू, ये अपन को इक्वेशन अपन फर्स्ट से लिख देते हैं। अब अपन को जो जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे लिख लेते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे सबके अपन वन माइनस टू पॉइंट पर लिख देंगे डी एफ अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी वाई चाहिए डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर। डी एफ अपॉन डी एक्स यानी इसका एक बार अवकलन एक्स के सापेक्ष करना है तो अपन क्या लिख सकते हैं टू एक्स वाई लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो अपन को वाई के सापेक्ष करना है यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन जब टू एक्स बाई का दो बार अवकलन अब डी एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स यानी एक बार इसका डी एफ अपॉन डी एक्स आया, इसको अपन लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स यानी कि इसका अपन को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या आ जाएगा अपना टू वाई आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालेंगे तो अपना बाई के सापेक्ष करना है। अब जो अपन की डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू आई थी उसका बाई के सापेक्ष कर देती यानी अपना ये जीरो हो जाएगा। अब देखो इसका वन और माइनस टू पॉइंट पर करेंगे तो टू वन माइनस फोर आ जाएगा अपना, ठीक है। ये इसकी वैल्यू अपनी डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी माइनस फोर आ जाएगी। इसी प्रकार डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आएगी जब वन और माइनस टू रख देंगे, यहाँ पे भी अपन अब वैल्यू रख देते हैं डी एफ अपॉन डी वाई यानी एक्स स्क्वायर मीन्स मतलब अपन को कितना चाहिए वन का स्क्वायर यानी वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा अपना फोर आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपनी फोर। अब जब यहाँ पे अपन रखेंगे डी टू एफ अपॉन डी
एक्स स्क्वायर, बाई की वैल्यू अपनी माइनस टू, यानी अपना माइनस फोर आ जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी तो अपनी जीरो ही रहेगी, चाहे वन माइनस टू पॉइंट पर डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये अपना जीरो ही रहेगा। अब अपन को चाहिए है डी टू एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि अपन डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे और डी एफ अपॉन डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, डी टू एफ अपॉन डी एक्स डी वाई, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है अपनी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसका अपन को करना है एक्स के सापेक्ष, यानी टू एक्स आ जाएगा। तो जब वन माइनस टू पॉइंट पर करेंगे तो एक्स की वैल्यू अपन वन रख देंगे, यानी टू आ जाएगी, डी टू एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू अपनी टू आ गई। अब अपन को चाहिए है डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स क्यू, यानी कि अपन को जो डी टू एफ, अब अपन को क्या चाहिए, डी अपॉन डी एक्स और डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू थी अपनी टू वाई, बाई के साबित करेंगे यानी अपना ये जीरो जीरो हो जाएगा। अब डी क्यू एफ अपॉन डी बाई क्यू चाहिए, यानी डी अपॉन डी वाई और डी टू एफ अपॉन डी बाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू थी अपनी, ये भी अपना जीरो है। और अब चाहिए अपन को डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स डी वाई स्क्वायर, यानी अपन इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स डी एफ डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अपनी जीरो है डी टू एफ डी वाई स्क्वायर की, तो ये अपना पूरा जीरो हो जाएगा। अब इसी प्रकार डी क्यू एफ अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी डी अपॉन डी वाई लिख सकते हैं और डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी अपनी टू वाई थी, ठीक है। तो इसके d अपॉन डी वाई यानी टू वाई बाई के सापेक्ष करना, तो अपना क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपनी टू हो गई। अब देखो सबकी वैल्यू आ चुकी है वन पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट पर, यानी कि पहले अपन ने अवकलन किया, फिर x बाई के स्थान पे वन और माइनस टू रखे, तो अपन की जितनी वैल्यू आई है अब समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण दो अपन को अपन यहाँ पे दे देंगे, समीकरण दो सबकी वैल्यू इसमें पुट करनी है अपन को, जितनी अपन ने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रखते हैं अपन, तो एफ ऑफ वन माइनस टू की वैल्यू अपन ने निकाली थी, यानी कि जो अपन एफ ऑफ एक्स वाई थे अपन की, ठीक है। तो अपन को एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया था, अपन को चाहिए एफ ऑफ वन माइनस टू, यानी कि वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और अपना माइनस टू इंटू में हो जाएगा प्लस थ्री वाई, यानी माइनस टू हो जाएगा, यानी कि माइनस टू लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस सिक्स माइनस टू, यानी माइनस टेन अपन की एफ ऑफ वन माइनस टू की वैल्यू आ गई। अपन ये भी वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, रखते हैं तो अपना ये माइनस टेन इसकी वैल्यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, एच डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी अपनी माइनस फोर प्लस के, और डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू अपनी प्लस के फोर थी, यानी प्लस फोर, ठीक है। अब ये हो गया अपन की प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, इनकी वैल्यू रखते हैं तो एच स्क्वायर डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी अपनी जीरो प्लस के स्क्वायर डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर की थी वैल्यू अपनी टू, डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर की जीरो थी प्लस टू एच के, अपन को डी टू एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू थी टू, तो ये अपन टू रख देंगे, ठीक है। प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, यहाँ पे भी अपन को करना एच क्यू, ठीक है। तो ये था अपना जीरो प्लस एच क्यू इंटू डी क्यू एफ अपॉन डी वाई क्यू, ये भी अपना जीरो था प्लस थ्री एच के स्क्वायर, ये भी अपना जीरो था डी एक्स डी वाई स्क्वायर वाला पता। अब अपन का देखो प्लस थ्री एच स्क्वायर के, इसकी वैल्यू थी अपनी टू वैल्यू थी, ठीक है, थ्री एच स्क्वायर के, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जो अपन ने माना था एच और के इज इक्वल टू, तो उनकी वैल्यू अपन को यहाँ पे वापस करनी है। यहाँ पे जो अपन ने ये वैल्यू मानी थी इसको अपन लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं एच प्लस वन, यानी एच की वैल्यू अपन एक्स माइनस वन, जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ एक्स माइनस वन, और के जहाँ जहाँ होगा वहाँ वाई प्लस टू रखना है। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड के इज इक्वल टू वाई प्लस टू रखने पर, रख दो जहाँ जहाँ जो कुछ अपन को मिला है, माइनस टेन अपना ये है प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, यानी एच एच की वैल्यू अपनी यहाँ पे एक्स माइनस वन इंटू फोर प्लस बाई प्लस टू इंटू फोर, ये अपना यहाँ पे माइनस फोर है, ठीक है। प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू,
ये अपना जीरो, ये अपना जीरो, यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स माइनस वन बाई प्लस टू इंटू टू हो जाएगा, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, केवल अपना ये आएगा थ्री एच स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पे थ्री इंटू के यानी बाई प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, इंटू अपनी जो वैल्यू थी अपनी ये टू, ये रख दो, ठीक है, ये आए समझ में। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर, यहाँ पे अपन का जो जीरो डी टू एफ अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अपनी टू थी, तो यहाँ पे टू लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना वो अलग हो जाएगा एच स्क्वायर के वाला पद, यानी यहाँ पे अपन का एक और पद बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा अपना एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू टू हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस करके होगा अपना, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू टू, ठीक है, प्लस प्लस वाला स्टेप था अपना एक्स माइनस वन बाय प्लस टू इंटू टू हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसको आगे लिख दें अपन, माइनस टेन हो जाएगा प्लस यहाँ पे अपना एक्स माइनस वन इंटू माइनस फोर, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस फोर बाय प्लस टू, यहाँ पे हो जाएगा जब टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टू से टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपना एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, टू से टू कट जाएगा, प्लस हो जाएगा अपना, यहाँ से भी टू कैंसिल हो जाएगा अपना, आ जाएगा टू एक्स माइनस वन बाय प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा अपना, ये अपन फैक्टोरियल तोड़ देंगे तो अपना टू ही आएगा, टू का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी थ्री इंटू टू हो जाएगा वन अपॉन यानी कि सिक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो अपना थ्री थ्री टू जब सिक्स हो जाएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा अपना क्या बचेगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर बाय प्लस टू आएगा, ठीक है, यहाँ पे अपन एक और माइनस टेन माइनस फोर एक्स माइनस वन प्लस फोर बाय प्लस टू, यहाँ पे एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन बाय प्लस टू, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर बाय प्लस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जहाँ पे भी आप लोग साथ में सॉल्व करते जाइए, और जहाँ मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग सुधार लीजिएगा, और वैसे तो हमने पूरा क्लियर करवाया है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक यू।